आज इस कलयुग में ऐसा समय आ गया है कि इस दुनिया की आधे से ज्यादा जनसंख्या काम वासना से घिरी हुई है। बहुत से लोग इससे बाहर आने की कोशिश करते हैं पर वे असफल रहते हैं, और बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो काम वासना के जाल से निकल पाते हैं। ये वही होते हैं जो सकारात्मक चीज़ों में, परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना सीख लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग एक ही चीज़ है। आप इसकी मदद से अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, और अगर आपको कोई गलत आदत लगी है और आपको उसे छोड़ना है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके इसे आसानी से छोड़ सकते हैं। यू आर अ ग्रेट, नो वन इक्वल यू। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, इसका क्या प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही प्रोग्राम होगा। वह होगा आपके चारों तरफ वातावरण, आप कैसे समाज में रह रहे हैं, आपके अवचेतन मन में इसी तरह के इमोशन पाएंगे। अगर आपको कुछ अलग करना है, समाज से हटकर करना है, चारों तरफ माहौल से हटकर करना है, तो आपका फैसला भी सबसे हटकर ही लेना होगा और आपका लक्ष्य भी एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर और कभी साइंटिस्ट बनना सोचे। पहले आप क्लियर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें कि आपको क्या बनना है। आपने एक दिन का समय लिया ये सोचने के लिए और आपका फैसला है आप बनना चाहते हैं एक साइंटिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करके साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। अंबानी अडानी भी आपकी तरह ही पैदा हुए हैं तो फिर वे इतने अमीर और आप मिडिल क्लास की हों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके पास ऐसा क्या रहस्य है जो आपको नहीं पता है। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के जरिए ही इतने अमीर बन पाए हैं, ये झूठ नहीं ये सच है। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको सबसे पहले एक पेपर लेना होगा और लिखना होगा, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे साइंटिस्ट बनाया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा साइंटिस्ट बनने का सपना था जो सच हो गया है, और उस पेपर को अपने घर में किसी भी चीज़ पर चिपका देना जहाँ पर आप ज़्यादा समय बिताते हो। इससे बार बार पेपर सामने आने से ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएगी और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। ये टेक्निक असरदार है, इसे आजमाया गया है। हमारा अवचेतन मन मिट्टी की तरह है, आप इसे जैसे रूममेट देना चाहेंगे ये उसी रूम में ढल जाएगा। दूसरा तरीका, आपको सोने से पहले और उठने के बाद ये तरीका आजमाना है। आपको ये सोचना है जो आपको चाहिए था वह आपको मिल गया है, आप साइंटिस्ट बनना चाहते थे आप बन गए हैं। ये केवल आपको सोने से 5 मिनट पहले और उठते ही 5 मिनट करना है तो आपको खुद अपनी ज़िंदगी में मैजिक देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको मेहनत भी करनी होगी।